दोस्तों, एक समय पर नेशनल क्रश रह चुकी दिशा पाटनी का लोगों ने ऐसा मजाक उड़ाया जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू ही आ जाएंगे। दिशा पाटनी इस वक्त अपनी एक फिल्म एक विलन रिटर्न्स के प्रमोशन को लेकर चर्चाओं में है। उनकी फिल्म 29 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है और फिल्म के प्रमोशन में हाल ही में दिशा अपनी अपकमिंग फिल्म एक विलन रिटर्न्स प्रमोशनल इवेंट में कुछ इस तरह से नजर आई, जिसमें उन्होंने ब्लू जीन्स के ऊपर येलो कलर का टॉप पहना हुआ था और नए स्टाइल का मेकअप किया हुआ था। इस सॉन्ग इवेंट के फोटोज जब बॉलीवुड बबल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए तो लोगों ने दिशा का जमकर मजाक उड़ाया। एक यूजर ने लिखा कि दिशा अभी भी छोटी बच्ची हो क्या। दूसरे ने लिखा कि दिशा की ड्रेसिंग सेंस कितनी लुल है, कौन सी दुनिया में रहती है, हर टाइम फुद्दू ड्रेस पहनती है, दिखाना क्या चाहती हो मैडम। वहीं तीसरा यूजर कहता है कि कितना प्लास्टिक और सिलिकॉन है पिक्चर में, कौन बताएगा। अगले यूजर ने कहा कि अच्छे खासे फेस को बर्बाद कर दिया सर्जरी करवा कर। जी हाँ दोस्तों, लोग दिशा को लेकर सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर ट्रोल कर रहे हैं कि दिशा ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। पांचवें यूजर ने लिखा अनदर सुपर डुपर फ्लॉप मूवी। जी हाँ दोस्तों, 2014 में सिद्धार्थ और श्रद्धा की एक विलन काफी ज्यादा हिट हुई थी और एक विलन रिटर्न्स को भी फिल्म के फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टर मोहित सूरी ने ही बनाया है, लेकिन इसकी स्टार कास्ट यानी कि दिशा, जॉन, अर्जुन और तारा को देखकर लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म फ्लॉप जा सकती है। फिल्म की स्टार कास्ट में जहां कुछ समय पहले दिशा पाटनी नेशनल क्रश हुआ करती थी, वहीं आज कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते नहीं थक रहे। अर्जुन कपूर के फिल्मी करियर के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि उन्होंने कितनी ज्यादा फ्लॉप मूवीज दी हैं। जॉन अब्राहम बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं, लेकिन रिसेंटली उनकी भी कोई मूवीज बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई है, फ्लॉप ही हुई है। वहीं तारा सुतारिया भी रिसेंटली हीरोपंती 2 में फ्लॉप देकर आई हैं। ऐसे में अब एक विलन रिटर्न की सक्सेस इसकी स्टोरी लाइन पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, मूवी रिव्यू तो हम आपको दे ही देंगे, फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड नजर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।